तो अभी भी एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि पबजी जो इतना बड़ा एंड बहुत ही पॉपुलर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड गेम है, वो बैन हो गया है इंडिया के आईटी सेल के द्वारा। एंड सिर्फ पबजी नहीं, उसके साथ पे 117 और एप्लीकेशन है एंड पबजी को मिला के टोटल 118 एप्लीकेशन है जो बैन हो गए। एंड इसी एक छोटा सा वीडियो होगा, इसमें सारे सारे चीज बताने वाले हैं यूट्यूब राकेश वंगर फ्रॉम दिस साइड। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स हैव सम टेक बाइट। तो अभी अगर देखा जाए इंडिया का जो आईटी सेल है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट एक्शन ले रहे हैं चाइनीज एप्लीकेशन एंड गेम्स के बारे में। पहले हमने देखा था 59 एप्लीकेशन बैन हुए थे, जिसमें से सबसे बड़ा एप्लीकेशन था टिकटॉक एंड उसके साथ में कैम्स कॉर्नर एंड ऐसे करके 59 एप्लीकेशन थे। एंड उसके बाद में उसके कुछ ही दिनों के बाद हम देखे थे कि 47 नए एप्लीकेशन बैन हुए थे जो कि उनका प्रो प्लस ऐसा वर्जन थे। एंड अभी अभी बस लेटेस्ट न्यूज ऐसा आ रहा है कि पबजी जो कि इतना बड़ा गेम था, इतना बड़ा यूजर बेस था इंडिया में एंड इंडिया के बाहर भी, वो भी बैन हो गया है इंडिया में इंडिया के आईटी सेल के द्वारा। एंड अगर आप पूछो कि मेरा ओपिनियन क्या है, सिंपल सा चीज़ है, जो कंट्रोल में है, जो आईटी सेल में है, जो पावर में है, उनका नॉलेज मुझसे भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो कुछ भी डिसीजन ले रहे तो सोच समझ के ले रहे हैं। एंड अगर आप एक पबजी प्लेयर हो, पबजी के साथ में बहुत ही ज़्यादा खेलते हो, तो आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरे तरफ से। हो सकता है मैं एक छोटा भाई हूँ या फिर आपसे बड़ा भाई हूँ। देखो बस एक एप्लीकेशन ही तो था, बस एक गेम ही तो था एंड वर्ल्ड में बहुत सारा गेम है। एंड आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए इंडिया को, इंडिया के सिक्योरिटी को एंड इंडिया के आईटी सेल को। अगर वो लोग कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो 100% सोच समझ के ले रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था कि इंडिया में फाइनली पबजी बैन हो चुका है। एंड और एक चीज, उसके साथ में जितने भी सारे एप्लीकेशन है गेम्स है, बोल के आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करने में नहीं चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, वीडियो को पॉज कर लो, उसके साथ में पूरा का पूरा लिस्ट चेक कर लो कौन से एप्लीकेशन एंड गेम्स जो कि बैन हुए है पबजी के साथ में आज ही। तो बस इस वीडियो में ना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बस इस वीडियो को अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट वन।